नमस्कार, मैं भूमिका और आपका स्वागत है देश रोजाना के खास बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताज़ा खबरें जो ना केवल आपको अपडेटेड रखेंगी बल्कि नई जानकारियां भी देंगी। चलिए नज़र डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर जो आपके मन में सवाल उठाएंगी और चर्चा का विषय भी बनेंगी। शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। बिहार में बाढ़ की तबाही, तटबंधों की असफलता ने 16 लाख लोगों को प्रभावित किया। अनुपम खेर की तस्वीर पर नकली नोट, आरबीआई का फुल फॉर्म बना रिसोल बैंक। सुप्रीम कोर्ट का तिरुपति लड्डू विवाद पर बड़ा बयान, भगवान को राजनीति से दूर रखें। मार्क जकरबर्ग बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स, 201 बिलियन डॉलर की नई ऊंचाई। गरीबी से जंग हार रहे प्रतिभाशाली छात्र, नीट और जेईई में सफलता लेकिन सीटें नहीं। बिहार के तटबंध पूरी तरह सुरक्षित लेकिन डूबे गांव और बेघर लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत पर सियासी संग्राम, बीजेपी का हमला पीएम मोदी के बयान पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर भावुक हुए मिथुन चक्रवर्ती, पीएम मोदी ने दी बधाई। आईफा अवार्ड्स में शाहरुख, ऐश्वर्या का संस्कार देखने को मिला, रेखा का आइकॉनिक डांस और बॉबी देओल की भावुकता। देवरा की शानदार कमाई, पहले वीकेंड में दुनिया भर में दूसरा स्थान पाया। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। राहुल गांधी का हरियाणा में बयान, देश में कौन सी जाति के कितने लोग ये जानना जरूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा के अंबाला स्थित नारायणगढ़ में एक रैली के दौरान जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जानना आवश्यक है कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं ताकि सही नीतियां बनाई जा सके और समाज में समानता की दिशा में कदम उठाए जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि विभिन्न जातियों की कितनी संख्या है, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। और इस रैली में राहुल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जातिगत जनगणना को टालकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम पीछे हटाया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस मुद्दे को समझे, अपनी आवाज़ उठाएं। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। राहुल गांधी के बयान ने वहां उपस्थित युवाओं और महिलाओं में उत्साह भर दिया। ये रैली हरियाणा में चुनावी विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की गई थी, जहां कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। राहुल ने अपने भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया और कहा कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। उनका यह बयान जातिगत जनगणना के महत्व को रेखांकित करता है, जो कि समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। राहुल गांधी का यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी एक नई दिशा दिखाता है। अब देखना यह है कि क्या उनकी अपील जनता और सरकार दोनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला पाएगी। हरियाणा और यूपी में ब्राह्मण समाज पर हो रहा अत्याचार, रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को हरियाणा के कैथल में एक जनसभा के दौरान ब्राह्मण समाज पर हो रहे अत्याचारों की गंभीरता को उजागर किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकारें ब्राह्मण समुदाय को दबाने का काम कर रही हैं। सुरजेवाला ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा और यूपी में ब्राह्मण समाज लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और समाज में असमानता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इस समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी। कांग्रेस नेता ने भी कहा कि भाजपा सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज में विभाजन की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँ। सुरजेवाला ने ब्राह्मण समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया, कहा कि उनकी पार्टी हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय और समानता के लिए काम करेगी। उनकी ये बात सुनकर जनसभा में उपस्थित लोगों ने समर्थन में तालियां भी बजाईं। रणदीप सुरजेवाला का यह बयान हरियाणा और यूपी में ब्राह्मण समाज के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस पार्टी की इस पहल से ये स्पष्ट होता है कि वे सभी वर्गों के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा में दीपक डागर को मिला बड़ा समर्थन। फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर को जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा और आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन मिल गया है।
सोमवार को जींद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि यह गठबंधन दीपक डागर की मदद करेगा और उन्हें विजयी बनाने के लिए प्रचारित करेगा। गौरतलब है कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी और जजपा के संयुक्त प्रत्याशी गिरिराज जटोला ने कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर तेवतिया का समर्थन किया था, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने धोखाधड़ी के रूप में करार दिया। आजाद ने कहा, गिरिराज जटोला ने लोगों से धोखा किया है, अब जनता ने वोट की चोट से सबक सिखाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसे गद्दार लोगों के कारण ही लोगों का विश्वास टूटता है। दीपक डागर ने जजपा और आजाद समाज पार्टी के समर्थन को अपनी ताकत बताते हुए कहा कि अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गठबंधन के समर्थन से उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। ये समर्थन दीपक डागर के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, खासकर आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर। हरियाणा की मुलाना सीट कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में जुटी हैं और अंबाला जिले की मुलाना सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यहां पिछले 50 वर्षों से चौधरी परिवार का दबदबा रहा है। 2019 में चौधरी परिवार के फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण चौधरी ने बीजेपी की बंतो कटारिया को 49,036 वोटों के अंतर से हराया और अंबाला से सांसद बने। इस बार कांग्रेस ने उनकी पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिया है। चौधरी परिवार ने यहां 9 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें 5 बार जीत और 6 बार हार का सामना किया। इस बार 225,332 मतदाता यहां वोट डालेंगे। बीजेपी ने यहां से आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान को टिकट दिया, जिन्होंने 2014 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट कट गया था। आम आदमी पार्टी ने गुरतेज सिंह, जबकि INLD BSP गठबंधन ने प्रकाश भारती और JJP SP ने डॉक्टर रविंद्र धीन को मैदान में उतारा है। पूजा चौधरी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में विकास का मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है। महंगाई और सीवरेज व्यवस्था की बदहाली के कारण लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है। इस सीट पर अब तक 13 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी जीती है। यहां कुल 1,18,700 पुरुष, 1,04,922 महिला और 3 थर्ड जेंडर वोटर हैं। 2009 में इनेलो ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने अपना यहां पे पक्ष रखा था। वरुण चौधरी की पकड़ इस क्षेत्र में ठीक है, जिसका लाभ उनकी पत्नी को मिल सकता है। प्रकाश भारती का भी वोट बैंक मजबूत है और उनके गठबंधन की वजह से मुकाबला और भी ज़्यादा रोचक हो सकता है। बीजेपी में बगावत की स्थिति भी देखने को मिल रही है। राजबीर के साथ संतोष सारवान को मिलने पर उनकी जीत की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। और इस बार का चुनाव न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये विभिन्न पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी है। सभी की नज़रें मुलाना सीट पर रहेंगी, जहाँ हर वोट महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह आज की खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया होगा। याद रखें, हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है और हम आपके साथ इसे साझा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।